हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। ये आज की न्यूज है जो एक घंटे पहले आई है। इसमें लिखा हुआ है कि 6 वर्ष में 1.64 लाख शिक्षकों की भर्ती सीएम योगी। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के पहले शिक्षकों की भारी कमी थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 वर्षों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। पिछले 6 वर्षों में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वहाँ पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के लिए प्रदेश में एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द हम इसका गठन करने जा रहे हैं। वो तो पता है, कम से कम 1 महीना हो गया, अभी तो गठन हुआ ही नहीं है। आप पर चलिए आगे चलते हैं। योगी जी ने कहा है कि DBT के माध्यम से जो पैसा यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्टेशनरी के लिए भेजा गया है, उसमें हमारे शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि बच्चे नियमित रूप से यूनिफॉर्म स्कूल आएं। उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक बच्चे के लिए यूनिफॉर्म बनवाने का अभिभावक के साथ बैठकर चर्चा करेगा, ताकि समय सीमा बच्चे यूनिफॉर्म, किताबें, जूते, मोजे पा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कस्तूरबा विद्यालय में बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं दिव्यांग छात्रों को स्टाइपेंट तथा गंभीर दिव्यांग को एस्कॉर्ट अलाउंस प्रक्रिया शुरू की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।